हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और किस तरीके से स्पर्म सेल्स फीमेल जेनिटल ट्रैक के सारे एरियाज को क्रॉस करके सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचती है। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है दो प्रो न्यूक्लियाइज का आपस में जोड़ना और एक प्रो न्यूक्लियाई ओवम से और एक प्रो न्यूक्लियाई स्पर्म सेल से दोनों फ्यूज होती है और मिलकर बनाती है जायगोट। सो ये जो फ्यूजन है इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो इस प्रोसेस को यहाँ पे समझने से पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि किस तरीके से स्पर्म सेल्स फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर एंटर करती है और सेकेंडरी ओसाइट तक पहुँचती है। सो सबसे पहले है फिगर, वेजाइनल वॉल का, एंड देन स्पर्म सेल्स यहाँ से ट्रैवल करती हुई सर्वाइकल कैनाल के अंदर एंटर करती है एंड सर्वाइकल कैनाल से होने के बाद में यूट्राइन कैविटी, और यूट्राइन कैविटी से ट्रैवल करते हुए स्पर्म सेल्स फाइनली एंटर करते हैं इन द फिलोपियन ट्यूब। यहाँ पे हम इन सारे स्ट्रक्चर की आउटलाइन बनाएंगे। इधर दिस द यूट्रस, और यहाँ पे है वेजाइना, और यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर जो कि रिलीज करता है सेकेंडरी ओसाइट दैट इज ओवरी फीमेल गोनाड्स। सो जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो दैट इज ओवुलेशन के अंदर देखा होगा, या फिर अगर जिन्होंने देखा है और उसे अगर रिकॉल कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि ओवुलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ओवरी से एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल फाइनली रिलीज करता है एक सेकेंडरी ओसाइट, और ये सेकेंडरी ओसाइट ओवरीज से ट्रैवल करता हुआ फाइनली कहाँ पे पहुँचता है, दैट इज एम्पुलरी पार्ट। बिकॉज ऑलवेज फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फिलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट के अंदर होता है, एम्पुला। सो ये जो पार्ट है ये कहलाता है एम्पुला। एम्पुला जो होता है ये फिलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्ग और सबसे वाइड पार्ट होता है। सो इसी कारण सेकेंडरी ओसाइट इजिली यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। सो हियर इट इज द सेकेंडरी ओसाइट, और जब ये सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे एंटर करता है तो इसके साथ में इसको कवर करती हुई एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है जोना पेलुसिडा, एंड उसी लेयर को कवर करती हुई होती है कुछ सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स, जिन्हें यहाँ पे कहते हैं कोरोना रेडेटा। सो एम्पुला में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी ओसाइट। नाउ ओसाइट का जो फर्टिलाइजिंग लाइफ स्पैन होता है ये 12 to 24 hours के लिए रहता है, यानी ओवरीज से रिलीज होने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर ये इजीली क्या हो सकता है, फर्टाइल हो सकता है विद वन स्पर्म सेल। और वहीं स्पर्म की लाइफ स्पैन कितनी रहती है, 48 से लेके 72 hours तक। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है ये ओवुलेशन के अराउंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस फिगर को देखा कि किस तरीके से स्पर्म सेल्स होल ऑफ द वेजाइना, देन यूट्रस एंड देन फिलोपियन ट्यूब से होके इसकी सबसे वाइडेस्ट पार्ट यानी एम्पुलरी एरिया तक पहुँचता है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये इजैकुलेशन के साथ में स्टार्ट होता है। इजैकुलेशन मतलब सीमेन का रिलीज होना इन द वेजाइना, और ये कॉपुलेशन प्रोसेस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए होता है। सो इससे पहले कि हम इस होल प्रोसेस को समझें, पहले देखेंगे व्हाट इज सीमेन। सीमेन के अंदर कुछ पर्सन जो होते हैं वो स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है ये मिलके बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव से कई एसेसरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले फ्लूइड से मिलके बना होता है, और इन एसेसरी ग्लैंड में आती है सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल क्या कंट्रीब्यूट करती हैं,
कई टाइप के सब्सटेंस जिनमें आते हैं फ्रुक्टोज, ये रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिंस, और रिलीज करती हैं कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये फ्रुक्टोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, बिकॉज जैसे इजैकुलेशन होता है सीमेन का, उसी के साथ में इसमें से कई स्पर्म सेल्स रिलीज होती हैं, और इन स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? दिस फ्रुक्टोज। क्योंकि इसी पहले हम देख चुके हैं लेक्चर के अंदर कि स्पर्म सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मिडिल पार्ट में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी, दैट इज एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एटीपी फ्रुक्टोज से प्रोवाइड होती है, ताकि इसकी जो टेल है दैट इज फ्लैजिलम, इसको ये विग्रेसली बीट कर सके और इस स्पर्म्स को आगे से आगे ट्रांसपोर्ट कर सके। सो फ्रुक्टोज इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। अनदर इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि जब स्पर्म सेल्स यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करते हैं, तो यूट्राइन कैविटी की जो स्मूथ मसल्स होती है ये क्या करती है, रेगुलरली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण फाइनली यहाँ से जितना भी स्पर्म सेल्स हैं उन्हें स्क्वीज कर लिया जाता है एंड देन आगे से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो बाय द मूवमेंट ऑफ दिस मस्कुलर एक्शन ये स्पर्म्स आगे से आगे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। थर्ड है क्लॉटिंग प्रोटीन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही सीमन इजैकुलेट होता है वजाना के अंदर, उसी के साथ इन क्लॉटिंग प्रोटीन से यहाँ पे क्या हो जाता है, कोएगुलेट, और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये कोएगुलेशन ना हो तो ये वजाना से इजीली क्या हो सकते हैं, ड्रेन आउट। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या रिलीज होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक दूसरी ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये 30% ऑफ टोटल सेमिनल वेसिकल फ्लूड, सॉरी सेमिनल फ्लूड को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 70% जो होता है ये सेमिनल वेसिकल से रिलीज होने वाला फ्लूड कंट्रीब्यूट होता है, रिमेनिंग 30% सीमेन के अंदर जो फ्लूड पार्ट होता है ये प्रोस्टेट बनाता है, और इस प्रोस्टेट से भी कई सब्सटेंस लाइक सिट्रिक एसिड और रिलीज करता है फाइब्रिनोलाइड लाइसिन। सो सिट्रिक एसिड भी एक तरीके से इन फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स रहता है, जिसके कारण जो टेल पार्ट होता है स्पर्म का वो हाइपर मोटाइल हो जाता है, मोर बीट करता है, और इसको फाइनली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जैसे ही क्लॉटिंग प्रोटीन रिलीज होते हैं सेमिनल वेसिकल से, उसी के साथ में जो स्पर्म्स होती है ये स्पर्म सेल्स वेजाइनल वॉल से क्या हो जाती है, एडहेर, ताकि इजीली ड्रेन आउट ना हो सके। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स यही फाइब्रिनोलाइसिन इनको अगेन से रीलिक्विफाई करता है, इन क्लॉटिंग प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, ताकि इजीली वापस से ये वेजाना से क्रॉस होके यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके। सो ये किसका एक्शन रहता है, फाइब्रिनोलाइसिन का। इसके अलावा लेस देन 1% जो कंट्रीब्यूट करता है फ्लूइड पार्ट वो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सो ये सारे क्या है, ये वो सारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि फ्लूइड पार्ट कंट्रीब्यूट करती है इन द सीमन, और कुछ परसेंटेज जो रहता है जो सबसे माइनर रहता है दैट इज स्पर्म सेल्स का, जो कि 10% होता है, रिमेनिंग 90% जो होता है दैट इज फ्लूइड पार्ट, जो कि इन सारी ग्लैंड्स सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज होने वाले फ्लूइड के कारण होता है। नाउ आफ्टर इजैकुलेशन, जैसे ही सीमेन का इजैकुलेशन होता है वजाना के अंदर, उसी के साथ में नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि होल ऑफ द ट्रैक कंटिन्यूड रहता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, जिसके कारण स्पर्म सेल्स फाइनली सेकेंडरी ओसाइट तक पहुँचते हैं, और इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। सो कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें, हियर इट इज द स्पर्म सेल, इस स्पर्म सेल्स के टिप पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोमल कैप, और यहां पे प्रेजेंट है इसका
जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस। सो कैपेसिटेशन प्रोसेस के जरिए इस एक्रोसोम्स के ऊपर भी कई प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन क्या कर दिए जाते हैं, वॉश आउट और क्लीन कर दिए जाते हैं, ताकि एक्सेस प्रोटीन यहाँ से क्या हो सके, रिमूव। और उसी के साथ में दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन के अंदर, वो क्या है, दैट इज हाइपर मोटिलिटी। इन स्पर्म सेल्स की जो फ्लैजिला है, दैट इज टेल पार्ट है, इसको हाइपर मोटाइल किया जाता है, मोर बीट किया जाता है, ताकि इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके अप टिल द सेकेंडरी ओसाइट। सो कैपेसिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द वेजाइनल रूट, यहाँ से लेके ये इजिली यूट्राइन कैविटी एंड फेलोपियन ट्यूब से क्रॉस होते हुए एम्पलरी पार्ट तक जब तक नहीं पहुंच जाता है, ये होल प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। यानी क्लीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोटीन ऑन द हेड रीजन ऑफ स्पर्म, और उसी के साथ में हाइपर मोटिलिटी ऑफ द फ्लैजेलम, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। इज दैट क्लियर? नाउ जब ये कैपेसिटेशन होता है और ये जो क्लीनिंग होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ईस्ट्रोजन भी होता है, बिकॉज ओवुलेशन के अराउंड इसी ईस्ट्रोजन पीक के कारण कुछ यूट्राइन फ्लूइड और सर्वाइकल फ्लूइड रिलीज होता है, और ये फ्लूइड पार्ट इन स्पर्म सेल्स के लिए फेवरेबल भी होता है, बिकॉज ये एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये रिलीज करते हैं कुछ एल्कलाइनिक मीडियम, एंड उसी के साथ में जो एक क्लियर थिन मिल्की फ्लूइड है, ये फाइनली एक्सेस प्रोटीन को यहाँ से वॉश अवे करने में भी हेल्प करता है। तो आफ्टर कैपेसिटेशन फाइनली ये स्पर्म सेल्स हाइपर मोटाइल हो जाते हैं, और अलॉन्ग दिस होल फर्टाइल यूट्राइन ट्यूब ये स्पीडली मूव करते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं, नियर द सेकेंडरी ओसाइट। सो इजैकुलेशन के टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो वजाइना के अंदर इजैकुलेट होते हैं, लेकिन उनमें से फ्यू थाउजेंड ही होते हैं जो कि कैपेसिटेट होते हैं और मूव करते हैं अलॉन्ग द होल ट्रैक, और यहाँ पे आने के बाद, सेकेंडरी ओसाइट के पास आने के बाद, ओनली हंड्रेड्स स्पर्म सेल ही रह जाते हैं जो कि फाइनली कैपेसिटेट होके इसके पास पहुँच सकते हैं, दैट इज अबाउट 200 to 500 स्पर्म सेल्स। सो आफ्टर कैपेसिटेशन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट फिगर के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हम सेकेंडरी ओसाइट को जूम इन करके देखेंगे, ये सेकेंडरी ओसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, जोना पेलिसिडा, और इसके भी सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स जब इस होल स्ट्रक्चर को कवर करती है, तो यहाँ पे इसे कहते हैं कोरोना रेडिटा, और इन कोरोना रेडिटा और ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जिसे बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड, जो कि इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं इन सेल्स के बीच में। सो ये फिगर है सेकेंडरी ओसाइट का। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि कैपेसिटेशन प्रोसेस के जरिए कुछ हंड्रेड्स यानी 200 to 500 स्पर्म सेल्स फाइनली एम्पुलरी पार्ट तक पहुंच जाते हैं। सो हियर इट इज द स्पर्म, दिस इज द मिडिल पीस, जिसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है टेल पार्ट, दैट इज फ्लैजिला, और यहाँ पे है स्पर्म का हेड, जिसके अंदर है न्यूक्लियस, जिसमें है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एन, और इसके टिप पे प्रेजेंट है एक्रोसोमल कैप, जो कि कंटेन करती है कुछ एक्रोसोमल एंजाइम्स। सो फाइनली ऐसी कुछ हंड्रेड सेल्स इस सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ पहुंच जाती हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप जो कि यहाँ पे होती है वो यह है कि जैसे ही यहाँ से एक्सेस प्रोटीन रिलीज होने लगता है बाय दिस कैपेसिटेशन, यहाँ पे प्रेजेंट कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जो कि फाइनली जोना पेलिसिडा पे प्रेजेंट प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ZP3, इसे कहते हैं ZP3 या ZP3, जोना पेलिसिडा प्रोटीन, ये बहुत सारे पाए जाते हैं इस लेयर पे। हियर आर द रिसेप्टर्स,
सो क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर कि यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट कुछ प्रोटीन इस ZP3 या इस प्रोटीन जो कि जोना पेलोसिडा पे प्रेजेंट है उसके जरिए क्या कर लिए जाते हैं अट्रैक। सो फाइनली क्या होता है कि इससे रिलीज होने वाला एंजाइम दैट इज हाइलुरोनिडेज इनके बीच में प्रेजेंट हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करते हुए और इस वॉल को कोरोना रेडिटा वॉल को डाइजेस्ट करते हुए फाइनली कहाँ दैट इज ZP3 रिसेप्टर्स पे फाइनली इन स्पर्म सेल्स को क्या कर लेते हैं अट्रैक। तो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म सेल्स इस ZP3 प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है और फ्यूज हो जाती है तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर वो क्या होता है इसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। और इस एक्रोसोमल रिएक्शन के जरिए क्या होता है कि इस स्पर्म सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ में इस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ में क्या हो जाती है फाइनली फ्यूज। तो इस तरीके से फाइनली फ्यूज हो जाती है बाय दिस एक्रोसोमल रिएक्शन और यहां पे ये रिलीज करती हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स जिनमें है हाइलुरोनिडेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोएक्रोजन एक्रोजन। सो ये जो एंजाइम्स हैं ये इस एक्रोसोमल कैप से रिलीज होते हैं और फाइनली ये क्या करने लगते हैं डाइजेस्ट करने लगते हैं इस वॉल को। और जैसे ही जोना पेलोसिडा वॉल का डाइजेशन होगा उसी के साथ में स्पर्म सेल्स फाइनली कहाँ एंटर कर जाएगी इनसाइड द जोना पेलोसिडा लेयर। सो यहाँ पे जो एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है ये सिर्फ एक स्पर्म सेल और उस साइड के बीच में नहीं वेरजन कई स्पर्म सेल्स एक साथ क्या कर रहे होते हैं इस ZP3 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे उनके साथ में रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन फर्स्ट स्पर्म्स वो फर्स्ट स्पर्म जो कि फाइनली इसको डाइजेस्ट करके एंटर कर जाती हैं और फाइनली फर्स्ट टच करती हैं विद दिस ऊलेमा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेकेंडरी ऊसाइट जो पहला टच होता है पहले स्पर्म के साथ में जो कि इस ऊलेमा को टच करता है वो ही फाइनली इस रेस को विन करता है रिमेनिंग जो होते हैं वो वहीं पे अपने एक्शन को कैरिड आउट करने लगते हैं वहीं पे वो रुक जाते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि होता है एक्रोसोमल रिएक्शन जिसके अंदर फाइनली दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये इस लेयर को जोना लेयर को डाइजेस्ट करके फाइनली एंटर कर जाती है टूवर्ड दी उलेमा दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइट। सो जैसे ही इवेंट होता है उसके बाद द इम्पॉर्टेंट थर्ड इवेंट जो लास्ट इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। नाउ इस लास्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म सेल टच करते हैं इसकी मेम्ब्रेन को उसी के साथ में कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये पेरिफ्री की ओर माइग्रेट करने लगते हैं इसकी वॉल की तरफ मूव करने लगते हैं और उसी के साथ इस मेम्ब्रेन के साथ में ये ग्रैन्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो कि ऊलेमा के साथ फ्यूज हो गए हैं और फाइनली इस फ्यूजन के बाद में ये रिलीज करते हैं कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज होकर क्या रिलीज कर रहे हैं कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देयर बाय क्या डाइजेस्ट करने लगते हैं जोना लेयर और ZP3 रिसेप्टर प्रोटीन्स इन सबको डाइजेस्ट करने लगते हैं और उसी के साथ में ये क्या क्रिएट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये एक हार्ड ब्लॉक बना देते हैं इस ऊलेमा के अंदर क्या क्रिएट करते हैं दैट इज हार्ड ब्लॉक अराउंड दिस ऊलेमा और जिसके कारण क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी।
तो यहाँ पे इस कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रिलीज होने के कारण ये क्या कर देता है, एक टाइट ब्लॉक बना देता है अराउंड दिस ऊसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके कारण पॉलीस्पर्मी यानी जो बहुत सारे स्पर्म्स ZP3 मॉलिक्यूल पे एक्ट हो रहे थे, वर्क कर रहे थे ताकि वो एंटर कर सके इनटू द सेकेंडरी ऊसाइट, वो फाइनली क्या कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक सिग्नल क्रिएट हो चुका है कि पहला जो स्पर्म है वो फाइनली इसको टच कर चुका है और वो फाइनली इसकी जेनेटिक मटेरियल को इनसाइड मूव करने वाला है। तो उसी तरीके से इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट सिर्फ एक ही स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगी, शेयर करेगी, क्योंकि उसको बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? सो जैसे ही उलेमा को ये टच करता है स्पर्म, उसी के साथ में ये अपने जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देता है विद ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, और यहाँ पे इसे कहते हैं दैट इज मेल प्रोन्यूक्लियस। और जैसे ही ये इवेंट होता है उसी के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर होता है वो यह है कि सेकेंडरी ऊसाइट जो कि मियोटिक सेकेंड डिवीजन के अंदर एंटर किया था एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, फाइनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये अपना मियोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करती है और उस डिवीजन के बाद में फाइनली टू डॉटर सेल्स बनाती है, वन विद ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें कि स्कैंटी बहुत ही कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, और दूसरा डॉटर सेल जिसे बोलते हैं डेफिनेटिव ओवम, इसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन ऑल टुगेदर ये सेल का सारा ही साइटोप्लाज्म यूज कर लेती है। डिवीजन का ओनली मीन यह है कि जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं उसे फाइनली क्या कर देना, डिग्रेड कर देना। सो फाइनली ये जो है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है एंड जो यहाँ पे डेफिनेटिव ओवम बना है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एंड जैसे ये फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बनता है तो नेक्स्ट इवेंट होता है दैट इज फ्यूजन। और जैसे ही फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियाई मिलते हैं तो उसी के साथ में ये फॉर्म करते हैं 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद द वन मोनोन्यूक्लियर सेल, जिसे फाइनली यहाँ पे क्या कहा जाता है, जाइगोट। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के जरिए फर्टिलाइजेशन के अंदर होने वाले इन 3 इवेंट्स को बेसिकली देखा, कैपेसिटेशन यानी स्पर्म की हेड पे प्रेजेंट एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को वॉश आउट करना और इसको हाइपर मोटाइल बनाना ताकि ये अलोंग द होल ट्रैक ट्रैवल कर सके और कहाँ तक पहुँच सके, नियर द सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंड स्टेप हमने देखा एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसमें फाइनली स्पर्म सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती हैं ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं और ZP3 रिसेप्टर के साथ ही अटैच हो जाती है, बाइंड हो जाती हैं और ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करती हैं ताकि जोनल लेयर जो है वो क्या हो सके, डाइजेस्ट, एंड फाइनली स्पर्म सेल्स एंटर कर सके टुवर्ड द उलेमा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। नाउ थर्ड रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें जैसे ही स्पर्म सेल्स फर्स्ट स्पर्म सेल्स और ओनली वन स्पर्म सेल जो कि पहले टच करती है उलेमा को, उसी के साथ में कॉर्टिकल रिएक्शन बिगिन होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इस उलेमा के साथ फ्यूज हो जाते हैं और अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं ताकि ये ZP3 रिसेप्टर्स को डाइजेस्ट कर सके और उसी के साथ में इस उलेमा के अराउंड क्या बना सके, टाइट ब्लॉक, ताकि बहुत सारे स्पर्म्स जो कि ट्राई कर रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर एंटर करने के लिए उनको वहीं पे रोका जा सके। सो दिस इज द थर्ड इवेंट दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड फाइनली इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है सेकेंडरी ऊसाइट, अपना मियोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करता है, दोनों प्रोन्यूक्लियाइज मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दोनों का फ्यूजन होता है एंड फाइनली मोनोन्यूक्लियर सेल्स विद द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसे कि जाइगोट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसी के साथ में एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पहला इवेंट स्टार्ट होता है और नाउ ये कहा जा सकता है कि वुमेन इज बीइंग प्रेग्नेंट। थैंक यू।